हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम नवरात्र व्रत के लिए पेड़े बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप 9 दिनों तक व्रत रहते हैं तो स्टोव बना के पेड़े को स्टोर कर सकते हैं। चलिए पेड़े को बनाना शुरू करते हैं व्रत उपवास के लिए। ऐसे आप पेड़े बना के देखिए, हमने दूध जो है ले लिया है, हमने दूध जो है कच्चा दूध लिया है, भैंस का दूध है ये। और व्रत के लिए फरहारी हम पेड़े बनाएंगे, इसे 9 दिन तक स्टोर करेंगे। चूल्हे को ऑन कर देते हैं। ये बड़ा बर्तन है इसलिए हमें बड़ा चम्मच या छनोटा जो भी हमें यूज़ में लेना है वो हमें बड़ा यूज़ में लेना है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें दूध को जलाना है। हमने ये जो छनोटा है इसको हमने दूध में डाल दिया है। अब इसे हम लगातार चलाते हुए जब तक उबाल ना आए तब तक हम इसे लगातार ऐसे चलाते रहेंगे, नीचे तले में ही पकड़े ना, इसलिए लगातार चलाते हुए दूध को हमें गर्म करना है उबाल आने तक। लगातार चलाते हुए हमने दूध को उबाल लिया है, देख सकते हैं दूध में उबाल आ रहा है। अब इस समय हम चीनी डालेंगे। दूध जो था हमारा 1/2 लीटर था और हमें चीनी जो यूज़ में लेना है, देखिए थोड़ा सा और डालेंगे, ये इस चम्मच से आप देख सकते हैं हमने 2 चम्मच जो है डाल दिया है। और इसको हम लगातार चलाते हुए दूध को गाढ़ा करेंगे। चीनी डाले हैं इसलिए लगातार चलाना इस समय। जितना अच्छे से आप लगातार जितना चलाएंगे उतना ही बेहतरीन पेड़े जो हैं बनके तैयार होते हैं, बिल्कुल हलवाई के जैसे मलाईदार पेड़े जो होते हैं सेम वैसे ही आपके मलाईदार पेड़े बनके तैयार होंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए लगातार ऐसे चलाते हुए चूल्हे का पॉइंट जो हाई होना चाहिए, एकदम सा तेज फुल पे वो करके, और जितना तेज़ी से दूध जलेगा उतना ही बेहतरीन और मलाई पेड़े बन के तैयार होंगे और कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। देखिए ऐसे लगातार चलाते हुए दूध को हम गाढ़ा कर लेते हैं। 10 मिनट लगा है, देख सकते हैं आप दूध जो है कैसे जल के ये गाढ़ा हो गया है राबड़ी के जैसे। अब इस समय हमने चूल्हे का पॉइंट जो है कम कर दिया है, कम पे करके, और इसे हमें सूखा करना है क्योंकि अगर चूल्हे का पॉइंट तेज़ रहेगा तो ये नीचे पकड़ लेगा, जल जाएगा, टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा पेड़े का, इसलिए कम पे रख के और इसे हमें सूखा करना है। देखिए खोया जो है काफ़ी अच्छे से ये सूख गया है, आप देख सकते हैं ये बर्तन जो है छोड़ना शुरू हो गया है। अभी बहुत तेज़ ये गर्म है और साइड में हमें ऐसे इसे हटा ले जब भी हम बनाते हैं। देखिए इसे दोनों साइड से हमें हटा लेना चाहिए कि जो इसमें नरम रहेगा, और इसे फिर हम ऐसे करते हुए थोड़ी देर सूखा कर लेंगे जो ऊपर के साइड में लगा रहता है, तो बार बार इसका ध्यान आप रखिएगा। देखिए अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं, ये तैयार हो गया है, थोड़ा सा लेके हम हाथों में और इसे हम गोल करेंगे। देखिए बहुत आसानी से ये गोल हो जा रहा है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं, ये तैयार हो चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं खोए को, और बर्तन में से ऐसे हमें इसे कर लेना है कि जो भी चिपका रहेगा वो एक्स्ट्रा जो है निकल जाएगा। कढ़ाई में से हम निकाल लेते हैं प्लेट में खोए को ठंडा होने के लिए, क्योंकि कढ़ाई में रहेगा तो ये ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, इसलिए प्लेट में निकाल के इसे ठंडा होने देते हैं। खोया जो है ठंडा हो गया है, अब इसको हम ले लेंगे। देखिए हाथों में हमें ले लेना है, हाथों में लेने के बाद हमें ऐसे गोल घुमाना है, अभी गर्म है, और ऐसे हमें इसे, देखिए इसमें से घी निकल रहा है, अभी बहुत तेज़ गर्म है, हमें लग रहा था कि ये ठंडा हो गया है लेकिन अभी बहुत तेज़ गर्म है। और देखिए इसे हमें हाथों में गोल करने के बाद अब इसे हम प्लेट में ही इसे तैयार करेंगे क्योंकि अभी बहुत गर्म है। और ये देखिए हमने ये ले लिया है, आप देख सकते हैं ये जो हम लोग पेड़ा बनाते हैं, और बीच में ऐसे हम इसे कर देंगे, ऐसे ही हम सारा पेड़ा बना के तैयार करेंगे। सारे पेड़े हमने बना के तैयार कर लिए, आप देख सकते हैं कि 1/2 लीटर दूध से हमने भैंस का दूध यूज़ में लिया है, कितना बेहतरीन पेड़े जो हैं बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ऐसे आप व्रत में 9 दिनों के लिए बना के पेड़े स्टोर करके रख दीजिए, व्रत उपवास में बना के खाइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पेड़े को अब हम तोड़ के आपको दिखा देते हैं। 5 से हम आपको दिखा देते हैं, बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी पेड़ा जो बन के तैयार हुआ है।